वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की वीडियो विधानसभा चो सीएम मान साहब जी की है, जिस विच उन्होंने सुखबीर बादल नूं संबोधन करके कहा है कि असी जो हैगे हाँ वह हैगे हाँ, असी सच्चे हाँ, असी उन्हां वर्गे नहीं हाँ जो वोटां आ गईआं तां दाड़ी खोल लवांगे ते वोटां नहीं हन तां बन लवांगे। कहिंदे जदों मैं पीटीसी दे चैनल नूं सर्व सांझे करन दी गल आखी तां क्यों कह रहे हन कि भगवंत मान सिखां दे मामले च दखलअंदाजी कर रहा है, पर असी ओह हाँ जो निशान साहिब दे नज़र आ जावे तां असी पहलां मत्था टेकदे हाँ, भावें कि गुरुद्वारा साहिब विच कोई भी मेरे अगे लाइन च खड़ा होवे तां मैं चाहुंदा हाँ कि पहलां ओह जाके मत्था टेक लैण, पर इन्हां वर्गा नहीं कि अलग लाइनां बना के अगे चले जाण ते जिथे ग्रंथी साहिब ते कीर्तन साहिब भी खड़े हो के इन्हां नूं मत्था टेकण लग जाण कि इह गल्लां सिखां दे विच दखलअंदाजी करन दा नहीं। होर की कहा सुखबीर बादल दे बारे विच आओ सुणदे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ले लिया सी ठेका 11 साल बाद, बह जाओ सर, बह के गल कर दी। 11 साल हो गए जी, एक चैनल चलाई जांदा जी, 21 जुलाई नूं खत्म हो रहा एग्रीमेंट 2023 च, 12 च दिता सी। पहली गल तां इह है जी जी 5 साल तों बाद वध किसी भी देश के संविधान मुताबक किसी भी संस्था च इलैक्शन ना हो गैर लोकतंत्रिक हो जाती है। श्रोमणी कमेटी के 11 साल हो गए जी, इलैक्शन नहीं हुई, आप गैर लोकतंत्रिक ने, आप कार्यकारी ने, जिहड़े कल कार्यकारी जथेदार साहब नूं उतार रहे सी आप कार्यकारी ने। तो मैं कदों कहना जी कि मेरे किसी चैनल नूं दे दो, ना मेरा कोई चैनल है, ना मेरे रिश्तेदार का कोई माफिया है। इस गलते तो पीटीसी वालों नूं, पीटीसी के मालकों नूं, चलो छोटा बादलों नूं, उन्होंने खुश होना चाहिए कि जिहड़ी चीज़ पहले सानू मुल मिलती सी फ्री मिला करूगी, उन्होंने दिक्कत की है जी। मैं दसदा दिक्कत की है, क्योंकि मैं कला आर्ट वाले फील्ड रिलेटड हाँ। जथेदार साहब ने भी हुक्म किया एक साल पहला, क्योंकि जथेदार साहब अपील नहीं करते होंगे, जथेदार साहब हुक्म करते फरमान करते हैं अकाल तख्त साहब साहब की सब सर्वोच्च पदवी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने पिछले साल यह हुक्म किया SGPC कि तुम अपना चैनल बनाओ तो वह गुरबाणी आनी चाहिए है, वो क्यों नहीं मनी जी, नहीं मनी, बना ले चैनल नहीं बन देंगे, वो बैठे ने, वो कहते ना ये साढ़े है, ये तो कब्जा साढ़ा है। मैं हूँ दसदा पूरी दुनिया इस वक्त देख रही होगी, मैं दसदा ये पैसे किमें कमाते हैं। धामी साहब तो चलो उन्होंने प्रधान ने लाए हुए ने, कल उन्होंने भी कह देंगे कार्यकारी से चल भी तू, वो कहते फ्री टू एयर तो हैगी है जी, असं कदों किसी ने कुछ कहने, फ्री टू एयर नहीं हैगी, मीडिया वाले बैठे है। जे फ्री टू एयर होंगी बाकी चैनल तो क्यों नहीं आती, कि वो बाकी चैनल गुरबाणी पसंद नहीं करते, जब बाकी चैनलों सुनने वाले दर्शक गुरबाणी पसंद नहीं करते। फ्री टू एयर नहीं हैगी जी, एक्सकलूसिव राइट्स ने, इनू इंग्लिश कहते हैं सर इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटलैक्चुअल वकील बैठे होंगे, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि मैं ही इस कॉन्टेंट का मालिक हाँ, कॉन्टेंट हो गया जो लिखा है, एक ये मालिक बन गए सर। गुरु नानक देव जी ने बाणी उचरी, भगतों की पट्टा की बाणी है, बिच गुरु अर्जन साहब ने कंपायल की, मालिक ही बन के बह गए कि इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साढ़े को नहीं, नहीं सर हो ही नहीं सकता है। तो इस करके इन्हों हम दुख हो रहा, क्योंकि मैं सारा पता है हमने पैसे किमें कमाते हैं। तुम कहने ना जी गुरबाणी तो जी बिल्कुल पीटीसी जिते मर्जी ला लो जी, कोई ऐड नहीं आती जी, है ना, वो वास्ते ऐड आना जरूरी नहीं होंगे सर। अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया पंजाबी वास्ते, उसे जो पीटीसी लगाना है अपने घरें 3-4 चैनलों का पैकेज होगा, $54 लगते हैं जी अमरीका कनेडा च जो पीटीसी लगाना है, और लगाना ही पैना है क्योंकि
गुरबाणी सुननी है, गुरबाणी घरें चलती हो बरकत आती है जी, हरेक दे घरे चलती है, बहुत सारे बैठे लोग गुरबाणी चलती है शाम नूं सवेरे हुक्मनामा अरदास सुनते हैं। वो $54 एक टीवी दा जी, देख लो हुण किन्ने टीवी ने, फिर तो फिर उस गुरबाणी करके TRP टैलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP बढ़ जाती है जी, कि जी 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम नूं ये चैनल लोगों वालों देखा गया, उहदे नाल विज्ञापन उहदे नाल आउंदे ने जी उस चैनल दे, कि यार इन्हां नाल गल करो इन्हां नूं लोग देखदे है, ऐ आउंदे है जी, ताइयों पिटदे है जी, होर इन्हां नूं की लोड़ है। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने को लैके कहिंदे ने फ्री टू एयर है, किवें फ्री टू एयर है, जो असी कह रहे हैं, असं ये कह रहे हैं कि उत्थे कैमरे लिया की लड़ नहीं है जी, दरबार साहब जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ हुंदा कीर्तन चलता है उत्थे कैमरे नहीं जाएंगे, भी भगवंत मान ने कहा सारे फ्री करो तो उत्थे कैमरे का हड़ आजूगा, ना कैमरे उन्ने ही रहेंगे 2-3, जी बाहर फीड आऊगी उन्होंने फीड कहें जी, वो सारे वास्ते फ्री कर दो, जिमें कि आप हम इस वक्त विधानसभा इतने कैमरे किन्ने किन्ने जी, पर सारे चैनलों पर लाइव चल रहे जी, इतने कैमरे आने तो नहीं आए हुए ना, इस वक्त न्यूज 18 ते जी ते ABP ते सारे ते लाइव चल रहे, इतने उन्होंने कैमरे थोड़ी आए हुए ने, वो बाहर खड़े ने। हाँ नाल असी यह कलॉज पाया कि गुरबाणी तो अद्धा घंटा पहला, गुरबाणी तो अद्धा घंटा बाद कोई ऐड नहीं आऊगी, ताकि कोई ये ना कहे कि 6:30 बजे गुरबाणी प्रसारण करदा मैं, चैनल कहे कोई मेरे नाल इन्ने लख लोग जुड़ जाते हैं 6:30 बजे, इस करके 6 बजे तो मेरिया ऐडा देनिया शुरू कर, तो फिर 7:30 बजे मैं खत्म करूँगा, उदों भी लोग जुड़े रहते हैं, मैं 7:30 to 8 बजे तक मेरी ऐडा दे, जिवें सर क्रिकेट का मैच होंदा मैच 7:30 शुरू होंदा 7 बजे टॉस हो जाता, टॉस तो बाद तो लाइव ही चलता ना, ऐडा उच भी आदि ने, तो जो मैच शुरू हो जाता मैच खत्म हो जाता फिर अद्धा घंटा चलता बाद मैन ऑफ द मैच ये वो ये उम्मीद इन्होंने कर लिया जी। तो गुरु साहब की बाणी सर्व सांझी है, मनुखता के भले की सरबत के भले की बाणी है, जो मैं ये कह रहा कि सारे फ्री करो, कहिंदे जी भगवंत मान सिखां दे मामले में दखल दे रहे जी, असं भी सानू तो जी कला निशान साहब ही कितों दूरों ही नजर आ जाए ना, गुरुद्वारा साहब भावें दूर हो गए तो भी मत्था टेकने वाले बंदे हैं जी, असी मत्था लैन जोगे हैं कितने, असं तो निमाणे हाँ जी, मैं जदों भी कितने गुरुद्वारा साहब जाना मैं कहना उन्हें कि जेडे पहला लाइन च लगे हुए ने मत्था टेकन के पहला बहुत प्रोटोकॉल ना करो, तो सर जो ये जानते हैं तो टब्बर जाता कीर्तन वाले भी उठ के खड़े हो जाते वाहेगुरु वाहेगुरु, वह नहीं है ना सिखा नाम लाइन का गल ना। सो असी तो जी जहाजे है दिलों यहाँ जे जबानों हाँ, असी मौका देख के दाड़ी नहीं खोलते सर, जहाँ जे है इतना पता सच्चे हाँ, बंदा कोई नुक्स कट के दिखा दे तो मान जाएंगे, इतने कद ए कर ला कद ए कर ला वोटा आ गई ए कर ला नहीं तो ए कर ला, यही गल सही है। सो इन्हां हुण मैं आडियो भी पाया बिच, मैं तैनूं पहलां पढ़ के सुणावां सर, मैं कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडिया होया ना ही मैं कोई बिना तथ्यां तों बोलां। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वायल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 डिसमिस द पटीशन ऑफ SGPC एंड फर्दर हेल्ड दैट द स्टेट वुड हैव पावर टू लैजिस्ट्रेट बोथ अंडर एंट्री 228 जन के 28 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट और एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट provided in the 7th schedule of the constitution of India. This is a state act. This is not a central act. Tami sahab, vakil ne mainu hadd hai kitho kiti vakalat mainu itni shak pain lag gaya hun. Hath padho. It's a state act. Supreme Court
तो खुद एससीबीसी अपनी डिस्मिस करा के फाइल कि स्टेट एक्टर जाओ इतों। सो तो बाद फिर दोबारे लिखे 28-32 जी लिस्ट है एंट्री 28 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो बारे फैसला ले सकती है सरकार। असी मैं किड़ा मैं की कह रहे जी मैं इस बिल दे विच मैं पढ़ के सुना दिना सर इस बिल दे विच मैं कहती रहा जी मैं इस कोई अपने आप में तो राइट लै नहीं रहा कि मैनू राइट्स दे दो मैं इस दे विच ये कह रहा कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड बोर्ड मीनस एस जी पी सी इट शैल बी ये 125A है सर इन 125A मनिया जाऊगा जो विधानसभा के पास हो गया 125A का क्लॉज 1 है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू प्रोपीगेट द टीचिंग्स ऑफ द गुरूज बाय मेकिंग अन इंटरप्टड लाइव टेलीकास्ट ऑफ होली गुरबाणी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी स्क्रीन रनिंग एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स डिस्ट्रॉशन लाइव फीड ऑडियो एंड ऑडियो एज वेल एज वीडियो ऑफ होली गुरबाणी फ्रॉम श्री हरिमंदर साहब अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल मीडिया हाउसेज आउटलेट्स प्लेटफॉर्म्स चैनल एक्सेट्रा हूएवर विश टू ब्रॉडकास्ट इट फॉर ब्रॉडकास्ट एनी वेयर इंक्लूडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर नाल असं ये भी कह रहे हैं कि एनी वन ब्रॉडकास्टिंग होली गुरबाणी फ्रॉम श्री हरिमंदर साहब शैल नॉट रन एनी एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑफ गुरबाणी एंड 30 मिनट आफ्टर द ब्रॉडकास्ट ऑफ गुरबाणी इज ओवर। आ गल कह रहे हैं सर कि 30 मिनट पहले नहीं कोई ऐड होनी चाहिए 30 मिनट बाद नहीं कोई आनी ताकि गुरबाणी जिस वे प्रसारण हो रही है उन्होंने कोई कमर्शियल आइटम ना बना सके कि मैं इन्ने बजे गुरबाणी आँगी तो मैं मैंने ऐडा इन्ने बजे दे दे जबकि सर जो चैनल चलता है पीटीसी का उत्ते ऐडा होंगे सर पहले ही ऐडा होंगे तो उतो 2 मिनट पहला भी ऐड आंदी है वो थले रनिंग चल दिया ने असं तो वो भी असं तो करें मैं कहदे वास्ते करें सर मैं चाहना कि गुरु की बाणी जी है पूरी दुनिया च फैले तो एस जी पी सी का भी यही मोटिव है कि प्रचार करे उन्होंने को 1,000 करोड़ का बजट है एस जी पी सी कहें ना 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 थोड़ी प्रचार करने देंगे तुम्हें साढ़े मुताबक चलूगा हूँ पता की होने लगे सर मैं तुम दस दिना क्योंकि मेरे बत्ती दंद ने मेरिया गल् सचिया ने हूँ इन्हों पंगा पिया हुआ है एक ना पी टी सी सिमरन नाम का चैनल आता है पी टी सी सिमरन उन्होंने ये एस जी पी सी देने लगे हूँ अगले 3-4 दिन फैसला हो जूगा मेरे को आ गई रिपोर्टा आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री हैं सर पी टी सी सिमरन एस जी पी सी दे के कहेंगे एस जी पी सी ने अपना चैनल खोल लिया जी इनू दे दो हूँ रहा फिर उत्थी रहा फिर उस घर ची इन की प्रॉब्लम है कितने नाल लेके जाने इन्होंने पैसे कितने धर्मराज ना गल होगी भी हाँ थोड़े रह जा करे गुरबाणी है फैलन तो पूरी दुनिया च मैं गुवाहाटी गया मेरा एक दोस्त हैदराबाद तो फोन किया वो गया सी आया सीगा एलए तो हैदराबाद आया बेंगलोर आया वो कोई बिजनेस के सिलसिले कहते यार होटल च मैं आया 5-star होटल है तो यार इतने पी टी सी नहीं चलता तो मैं तो यार बाणी फिर कितों सुना मैं गुवाहाटी जाने टीवी से नहीं आता पर सीधा होर कोई चैनल ला लो एक गल मैं मीडिया साथी बैठे ने एक गल मैं कह देना सर अज मुकदस हाउस के रिकॉर्ड से जाऊगी जिस दिन 21 जुलाई तो बाद ए फ्री टू एयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ना सर तुम जिहड़ा मर्जी चैनल लाओगे ना थानू अगे गुरबाणी सुनने मिलो खबर ला लियो भावें कोई खेडा ना ला लियो जिहड़ा मर्जी ला लियो गुरबाणी मिलेगी सर मैं वो चाहना कि जिहड़ा चैनल लाइए साढ़े गुरु की बाणी उत्थे होवे तो गुरु साहब ने बाणी उदासियां कर करके पहली उदासी तो है ही 10 साल की सी उदासियां कर करके बाणी उच रही है बाबा मरदाना जी रबाब चकते सी मरदाना छेड़ रबाब बाणी उतरी है बाणी उतरी हुई है ये किसी की थोड़ी है इन्हें कोई कमर्शलाइज कर दे तो व्यापारीकरण कर दे कोई ए तो बद कोई
ये तो बात कोई हो सकती है जी, मतलब कहिए कि यहाजा धंधा गोरख धंधा कि जरा बाणी बेचे, जरा गुरबाणी बेचे, जिड़ी कि सारे लिए है, सब लिए अवेलेबल होनी चाहिए है। सो ये मैं यही कह यही कह कि भाई तुम श्रोमणी कमेटी जी है वो आप फैसला कर ले, कैमरे नहीं बदल लगे, वो इन्हों पता ही नहीं, असल च टैक्निकल नहीं पता इन्हों, कैमरे कुछ नहीं, वो कैमरे वही हो गए बिल्कुल जिमें जिमें हूँ अपने को कैमरा कोई नहीं लग्या हुआ इतने, पर सारी दुनिया लाइव देख रही है क्योंकि जोड़े कैमरे वो दो लगे हुए ने इधर लगे हो लगे हुए, बस सारा जो मनप्रीत वाली जी बोलते उन्होंने हो जूगा, जो मैं बोलता मेरे से हो जूगा। सो वो बाणी जी है उतो बाहर फीड जी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाए तो सारे ऑडियो ऑडियो मैं क्यों कह जी, साढ़े बहुत सारे पंजाबी ने टैक्सियां चलाते हैं टोरंटो वैनकूवर मेलबर्न सिडनी टैक्सी ड्राइवर ने, जिस तरह क्या कि जोग्राफिकली कोहली साहब ने दसिया टाइम का फर्क होंगे टाइम जोन का, उस वे टैक्सी चला रहे होंगे ने उस वे अरदास का टाइम होंगे जा गुरबाणी चल रही होंगी कीर्तन वो नहीं देख सकते, उन्होंने कोई अवेलेबिलिटी नहीं हैगी टीवी की, तो अपना रेडियो ला लैन कोई भी, हरेक रेडियो में फ्री, ट्रकों वाले मुंडे ने लौंग ते जांदे ने उन्होंने लौंग ते कहिंदे सर कैलीफोर्निया तो शिकागो टोरंटो तो शिकागो इंडियाना इधर जाते हैं, तीन दिन जाने तीन दिन आने उन्होंने को सिर्फ रेडियो होंगे रेडियो चलते उत्थे, तो उत्थे जे बाणी सुनना चाहते हो तो बाणी सुन सकते, ट्रक ते जाते जाते बाणी सुन अरदास हो सकता, बहुत सारे अजे भी होंगे जिन्होंने पता हो कि इन्ने बज के इन्ने मिनट की अरदास होंगी है, रेस्ट एरिए ट्रक रोक के गुरु साहब की अरदास भी शामिल हो सक, ऑडियो तो फिर ऑडियो तो क्यों नहीं प्रॉब्लम कर रहे सारे, एक चीज नोट करो ये ऑडियो तो क्यों नहीं प्रॉब्लम कर रहे, वीडियो तो कर रहे हैं क्योंकि चैनल है इन्हों, रेडियो है नहीं इन्हों जी ये पंगा है, ऑडियो तो प्रॉब्लम कर कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो साड़ी है सर, ये तो नहीं होगा। जिस तरह मेरे साथियों ने कहा असी भी नमाने सिख हाँ, असी भी चाहते हैं कि साडे धर्म की जिहड़ी जय जयकार पूरी दुनिया च होवे, अज जिहड़े बच्चे समझदार होए ने अज जिहड़े बच्चे जम्मे ने उन्होंने हजे तां बाणी पढ़नी है, बाणी तो सिख्यावां लैणियां ने प्रेरित होना है। सो असी इस करके कि वह किसी खास बंदे का चैनल है तो उस बंदे दा जा उस परिवार दा उस कमेटी ते प्रभाव है ते उन्होंने चैनल ही यह चलाउणगे, ये नहीं हो सकता। पर मैं नाल ये भी कहना चाहना कि पी टी सी नू कोई विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि पी टी सी नू फ्री दे विच एड जी फीड मिलेगी, वह उस टाइम ते गुरबाणी चला सकते, मैं उन्होंने कदों रोकदा जी, मैं तो यह कहना कि बाकियों नू भी शुरू करो, बाकिया का भी उन्नी उन्हों की आपकी रीच है, किसी की अपनी रीच है, कोई नॉर्थ इंडिया चलता है, कोई साउथ इंडिया चलता है, कोई थाईलैंड चलता है चैनल, कोई कल कनेडा चलता है, कोई यूके चलता है, अपनी अपनी रीच है सारे की। सो जिथे भी रीच हो तो साढ़े गुरु साहब की रीच उत तक जाए, साढ़े गुरु साहब दिया सिक्ख्यावान गुरबाणी राही उस तक जानी चाहिए ने, आम आम मकसद है जी, होर कोई ना ही कोई कदे ना तो धर्म के नाते असं वोटा मांगने सर, असं बिजली के नाते असी तो स्कूलों के नाते मोहल्ला क्लीनिका नाते वोटा मांगते हैं, सुखी जी बैठे ने जलंधर लड़े से इलेक्शन, असी तो कदें नहीं कहा कि किसी जाति पाओ जा फलानी जाति जा धर्म में पाओ या करो, असी अपना प्रचार किया, इन्होंने अपना किया, लोकतंत्र है लोकतंत्र ने, हाँ उम्मीद सारे होंगी है, वो तो मशीन आखिरी मशीन खोलन तक भी उम्मीद तो जागती रहनी चाहिए है, उम्मीद तो दुनिया कायम है। सो सानू लोगों ने साडे लोगों ने कम्मां नू पसंद कर लिया, सो असी कदे किसी धर्म च कोई दखल नहीं देंदे, असीं तां चाहुंदे आ सारे धर्म, जे किसी नू निम पूज के संतुष्टि मिलती है, निम दे दरख्त नू पूज के किसी नू संतुष्टि मिलती है, तो मैनू कोई हक नहीं है कहण दा कि तेरे निम नाल मेरी टाली ज़्यादा वधिया, उहनू निम पूज के संतुष्टि मिलती है, मिलण दो, उहदी जिथे लगी है तो लगी रहण दो। सो इस करके साडे कोल एक शब्द गुरु है, वह किसी होर दुनिया के धर्म कोल है नहीं, साडे कोल एक शब्द गुरु है जो जिदे कोई भी अंग नू पढ़ोगे तो विस्तार करने वास्ते दो महीने लग सकते हैं, उहदा प्रचार प्रसार होना चाहिए,
साढ़े 500 साल पहला लिखा गया पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ना तो उस वेले कोई फैक्ट्रियां होणगियां जिहड़ियां धूआं करदियां होणगियां, ना कोई पानी डंप करता होगा थले बोर ला के, ना ही कोई स्प्रे करता हो मोनोक्रोटोफास दी उस वेले, ना उस वेले लिखा गया पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत तिन्ने बचा लो, हवा पानी धरती। अज असीं उह तिन्नां नाल जूझ रहे हां कि बचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सो वह बाणी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं पुछया गया कि तुसी नैशनल एंथम लिखता जनगणमन बहुत वधिया नैशनल, तुसी वर्ल्ड एंथम लिख दो, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जवाब से कि वर्ल्ड एंथम तो ऑलरेडी गुरु नानक साहब लिख गए, जिहड़ा आर्त उहदे विच लखां पताल लखां सूरज ਉਹ ਵਰਡ ਐਂਥਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦਾ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਾਖਵੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵੇ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ।